जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभेच्छा सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ होम शेफ डीपी। हमारी चैनल डीपीज किचन व्यंजन विज्ञान में आप सबका दिल से स्वागत है। नवरात्रि के शुभ महोत्सव में व्रत और उपवास के लिए हम बनाएंगे फराली व्यंजन। और आज का व्यंजन है सुरन साबूदाना की फराली खिचड़ी। नवरात्रि के व्रत उपवास के लिए सुरन साबूदाना की फराली खिचड़ी के लिए हमने लिया है 1 कप क्यूब किया हुआ सुरन, जिसे हमने नमक डाल के उबाल लिया है। 1 कप साबूदाना, जिसे 6 घंटे भिगो के रखा था। 3 बड़े चम्मच मूंगफली का ददरा पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 5-6 नीम के पत्ते, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पत्ता, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच साबुत घी। इन सभी चीज़ों से हम नवरात्रि के व्रत उपवास की सुरन साबूदाना की फराली खिचड़ी बनाएंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें पहले साबूदाना डालेंगे। बहुत ही खिले खिले हैं हमारे साबूदाना। उसमें सुरन के क्यूब्स डाल देंगे, मूंगफली का दरदरा पाउडर डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, शक्कर भी डाल देंगे, नींबू का रस भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिला के हम साबूदाना और सूरन की फराली खिचड़ी बनाएंगे, पकाएंगे। हमने पैन गरम करने रख दिया है। अब हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो गया है, हम उसमें जीरा डाल देंगे और उसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो है, फास्ट गैस पे कुछ भी काम नहीं करना है, आराम से करना है। कोई भी मसाला जलना नहीं चाहिए। हमारा जीरा भून गया है, अब हम उसमें करी लीव्स डाल देंगे, उसे भी थोड़ा भून लेंगे। अब हम उसमें अदरक मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे। इतना भुनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए। अदरक मिर्ची की पेस्ट भी भुन चुकी है, जीरा भी भुन चुका है, करी पत्ता भी भुन चुका है। अब हम हमने जो मिक्सचर बना के रखा था वो उसमें डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है खिचड़ी बनाने का फराल के लिए, क्योंकि एक एक चीज डालते हैं तो कभी कभी सभी चीज अच्छे से मिलती नहीं है एक दूसरे के साथ, तो फिर स्वाद बिगड़ जाता है। स्वाद आता है, कभी नहीं आता है, इसीलिए हम ऐसे ही पकाते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा। अब इसे हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे, चेक कर लेते हैं, थोड़ा मिला लेंगे। बहुत खिली खिली बनी है हमारी खिचड़ी। ढक के फिर से थोड़ा पकाएंगे, चेक कर लेते हैं। बस 1-2 मिनट में हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी।
इसे ढक के 2 मिनट पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। हमारी खिचड़ी तैयार है, साबुदाना फूल गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, हमारी खिचड़ी भी तैयार है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे, गैस बंद कर देते हैं और सर्व करते हैं। 1 मिनट ढककर रखेंगे, बाद में सर्व करेंगे। हमारी नवरात्रि व्रत उपवास की सूरन साबुदाना की पराड़ी खिचड़ी तैयार है, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। हमने प्लेट में फराली च्यूडर और दही चटनी ऑलरेडी रख दी है, अब हम खिचड़ी सर्व करते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क देंगे, अच्छा दिखता है। और एक नींबू का टुकड़ा भी रख देंगे। हमारी नवरात्रि व्रत उपवास की सूरन साबुदाना की फराड़ी खिचड़ी सर्व हो गई है। आज की टिप्स है, साबुदाना को भिगोने का एक तरीका होता है। सबसे पहले उसे धोना होता है, हल्के हाथों उंगलियों से इतना धोना होता है जब तक उसमें से पूरा स्टार्च न निकल जाए। करीबन 2-3-4 बार धोकर उसे साफ पानी में भिगोना होता है। आपने जितना भी साबुदाना लिया हो उतना ही पानी उसको भिगोने के लिए रखना है। साबुदाना की खिचड़ी में हम कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे हमने सूरन मिलाया वैसे आलू, शकरकंद, अलवी, कुछ भी मिलाकर आप साबुदाना की खिचड़ी बना सकते हो, लेकिन वो कंदमूल रहना चाहिए, कोई सब्जी नहीं मिलानी है। व्रत उपवास के फराली व्यंजनों का राजा है मूंगफली। चाहे मूंगफली साबुत हो, तली हुई हो, दरदरा पाउडर हो, महीन पाउडर हो, चटनी में हो, दही के साथ मिला करो, वो मूंगफली की वजह से उस व्यंजन का स्वाद 2 गुना हो जाता है। हमने आज जैसे खिचड़ी बनाई है सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बाद में उसको पकाया है, उसका एक कारण है क्योंकि जब हम एक के बाद एक चीज़ तवे के अंदर डालते हैं या कढ़ाई में डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ मिलती नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो आधे में अच्छा स्वाद आता है, आधे में फीका स्वाद आता है। तो इसकी वजह से मैंने ये रीत अपनाई है, आप भी अपना कर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सूरन साबुदाना की फराली खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स और डिटेल में प्रोसीजर भी दिया हुआ है। अभी नवरात्रि चल रही है तो हमारे फराली व्यंजनों के और भी एपिसोड आएंगे, सुबह 10 बजे जरूर देखिएगा। आपके वैल्यूएबल सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको कोई फराली व्यंजन बनाना हो तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ बनाएंगे। हमारे अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे एपिसोड रविवार यानी कि संडे को और गुरुवार यानी कि थर्सडे को दोपहर को 2 बजे अपलोड होते हैं। हमारे फेस्टिवल स्पेशल के एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड होते हैं, ज़रूर देखिएगा। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सुखी रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।